8 नवंबर को नोटबंदी के 2 साल पूरे होने के बाद सरकार और विपक्ष खासकर कांग्रेस के बीच तीखा वाद विवाद देखने को मिला। एक तरफ जहां वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी को इनकम टैक्स पेयर्स की बढ़ती संख्या से जोड़कर इसका बचाव किया, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने इस पर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इससे 15 लाख लोगों की नौकरी गई और जीडीपी 1% घटी और उन्होंने नोटबंदी को देशवासियों के प्रति क्रूर षड्यंत्र बताया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के थाउजेंड ओक्स शहर में एक डांस बार में एक गोलीबारी का मामला सामने आया है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी समेत 12 की मौत हो गई। आपको बता दें कि ये घटना अमेरिका में गोलीबारी की सबसे भीषण घटनाओं में से एक है। इस हमले के बाद लॉस एंजलिस के बाहरी क्षेत्र में स्थित बॉर्डर लाइन बार एंड ग्रिल के अंदर हमलावर भी मृत पाया गया। बहरहाल अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि इसे पुलिस अधिकारियों ने मार गिराया या उसने खुद को गोली मारी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में प्रचार के लिए निकली कांग्रेस की टीम पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस प्रचार टीम पर हमला हुआ उसमें बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा व कांग्रेस प्रत्याशी देवती कर्मा के बेटे छबिंद्र कर्मा और आशीष कर्मा भी मौजूद थे। नक्सलियों की ओर से करीब 200 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक गोली सुरक्षा कर्मी को छूते हुए निकल गई, जिसकी पुष्टि दंतेवाड़ा एसपी ने की है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत का सिलसिला जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का फायदा घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतों में कटौती के तौर पर मिल रहा है। तेल की कीमतों में कटौती पर विशेषज्ञ का कहना है कि आने वाले दिनों में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की आशंका नहीं है और देशवासियों को अभी और भी राहत मिलेगी। दिल्ली में दिवाली की रात पटाखे जलाने को लेकर पुलिस ने 500 से अधिक मामले दर्ज किए हैं और तकरीबन 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर दर्ज किया गया है, इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी है। इसके साथ ही दिवाली की रात पुलिस ने 2776 किलो पटाखे भी जब्त किए हैं। पटाखा फोड़ने के नाम पर मेरठ में बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। यहाँ एक अधेड़ ने 3 साल की मासूम के मुंह में सुतली बम फोड़ दिया, जिससे उसके मुंह के जुथड़े उड़ गए और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि पूरा मामला सरधाना क्षेत्र के मिलक गांव का है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। 8